बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों आप जानते हैं कि ब्रेक्सिट जब हुआ तो एक बहुत बड़ा रेफरेंडम करवाया गया था यूके में, जिसमें पूछा गया था आवाम से कि क्या वो यूरोपीय यूनियन के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। बहुत थोड़ी परसेंटेज के साथ ब्रेक्सिट हुआ, यानी कि बहुत थोड़े नंबर ज़्यादा थे जिसकी वजह से जो है वो बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो गया। इस वक्त सिचुएशन क्या है? इस वक्त सिचुएशन ये है कि वो लीडरान जिन्होंने इसको लीड किया था कि ब्रेक्सिट होना चाहिए, वो कुछ तो छोड़ चुके हैं, कुछ अपनी पार्टीज़ को ही छोड़ चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक हैं तो सामने हैं तो अभी तक वो लीडरशिप में, लेकिन उनकी तरफ से भी अब कोई भी ऐसा बयान नहीं आ रहा जिसमें वो समझते हो कि ब्रेक्सिट जो है वो अकलमंदी का मुजाहरा किया गया। यही वजह है कि डेविड कैमरून से लेकर टोनी ब्लेयर तक तमाम लीडरान ने ये कहा था कि ब्रेक्सिट ना किया जाए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ रहना ही इंग्लैंड के मुफाद में बेहतर है। लेकिन उस वक्त बोरिस जॉनसन इस जैसे और कई लीडरान ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा फेवर की कि नहीं, इंग्लैंड को लाजमी तौर पे अलहदा होना चाहिए, ब्रेक्सिट होना चाहिए, फिर ही इंग्लैंड के मुफाद के लिए बेहतर है। लेकिन अभी 6 महीने गुजरे हैं और इंग्लैंड को अभी से इसका सामना करना पड़ रहा है, और यहाँ पे एक नया पोल करवाया गया जिस पोल में ये पूछा गया लोगों से कि क्या ब्रेक्सिट होना एक अकलमंदी या यूके के लिए बेहतर फैसला था। तो अब पोल ये बता रहा है कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो पहले से डबल जो है वो ये कह रही है कि ब्रेक्सिट होना नहीं चाहिए था, ब्रेक्सिट को जो है वो नहीं, इसको इसकी नौबत आनी चाहिए थी और ना ही इसके वोट होने चाहिए थे, ना ही रेफरेंडम होना चाहिए था, जिसकी वजह से ये ब्रेक्सिट वजूद में आया। कहने का मकसद ये है कि अभी से वहाँ पे कंडीशन ऐसी होती जा रही है जो कि 1972 के बाद से 1979 में दोबारा से यूके को यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनना पड़ा था। ये पहले भी मौका आ चुका है, 1972 में इंग्लैंड ने यूरोपीय यूनियन से अलहदी इख्तियार की थी, लेकिन 1989 तक दोबारा यूरोपीय यूनियन में दाखिल हो गया था और दोबारा इंटर हो गया था। कुछ इसी तरह की सिचुएशन हो सकती है, और हो सकता है कि कुछ सालों के बाद जो ब्रिटिश लोग हैं उनको रिकॉग्नाइज हो कि हम अकेले कुछ नहीं हैं, या अपना जोर लगा के ये खुद चेक कर लें कि ये इंग्लैंड को अकेले आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो ये वापस यूरोपीय यूनियन में आ सकते हैं। अभी से बहुत बुलंद आवाज़ें होना शुरू हो चुकी हैं कि ब्रेक्सिट एक गलती थी और आने वाले वक्त में इस गलती को ख़त्म करके दोबारा यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनना चाहिए। दोस्तों इस न्यूज़ का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके इसको खुद भी रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।